बोलिए। करंट का आंसर है केस करंट, जी। करंट केस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, केस बार बार खारिज कर रहे हैं, कौन? ना चाहिए मुझे। केस को खारिज कर देते हैं कौन वकील साहब। खारिज करवा देते हैं या खारिज कर देते हैं खुद ही? बनवा देते हैं, गवाह ही नहीं ले रहे, न्याय तो आप यहां क्यों आए हो? चाहिए सर मुझे, न्याय न्याय चाहिए आपको? जी पुरुषोत्तम झरिया हो आप। जी किसको करंट लग गया था? मुझे लगा था सर कहाँ पे करंट लगा था? शरीर नहीं, में, बस बता दो। गोड़े में पूरा शरीर ठीक जल है, गया आप तो है ठीक हो पहले से तो, है ना? जी सर, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, कौन सा काम नहीं कर पाते? मजदूरी कोई बात नहीं, तो जी थोड़ा बहुत दूसरा काम कर लो, चौकीदारी कर लो। सर। चौकीदारी भी नहीं कर सकते, जलन होती है ज्यादा, और दो बच्ची हैं, एक बच्चा है करना तो मेरा, चाहिए जिंदगी में, आपके तो दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पहले कुछ वजन ही मतलब नहीं उठता है, चल नहीं पाते हैं, चौकीदारी में वजन थोड़ी उठाना होता है, चौकीदारी में तो आंखें खोलना पड़ती जाना है। आना तो पड़ेगा सर, मैं दूर का हूँ, वहां चौकीदारी नहीं लगती है अच्छा, जी। तो ये लोग कौन है? ये कल्लू और धन कुमार। ये ठेकेदार हूँ, तो ये काय के ठेकेदार हैं? बिल्डिंग के अरे आप बिल्डिंग में मजदूरी करते थे, कारीगर जी, थे, बेलदार थे, मिस्त्रीगिरी मिस्त्री करते थे करते थे। जी। मिस्त्रीगिरी छोटे वाले काम कर लो, ज्यादा मेहनत का काम मत करो, मिस्त्रीगिरी कर सर सकते हो। वजन नहीं उठता है जी, हाथ नहीं अच्छा, उठते ऊपर जी, तो हल्का फुल्का काम कर लो, छिनाई का काम करो। तो छिनाई के काम में ज्यादा मेहनत थोड़ी लगेगी, काम क्यों छोड़ रहे हो? छिनाई के काम में सीधा हाथ बताओ कैसा है? ऐसे ऐसे उठाओ हाथ, कैसे सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ तो ठीक है आपका, एक हाथ, वही वाला हाथ, वो खोलो हाथ, ऐसे खोलो तो हाथ ठीक है आपका। वजन ऊपर नहीं जाता है ना सर, वजन गलन होती है ज्यादा वजन कर वजन उठाना का है, मिस्त्री के लिए वजन थोड़ी उठाना पड़ता है। सर, अब नहीं जा नहीं पाते हैं ना ज्यादा सर जी। काम करो, सिर्फ पीछे बैठ रहे हो। अभी उम्र क्या है आपकी जो काम से पीछे हट रहे हो? मुकदमा लड़ रहे हो, मुकदमे में क्या मिलेगा आपको? ठेकेदार से सर कितना पैसे ना, मिलोगे? 10-20-50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आपको। 50 डिसमिल जमीन थी, वही पिताजी ने बेच करके लगा दिया, और ये अब मेरे पास कुछ नहीं है सर आप ये मुकदमा लड़ रहे हो आप, इसमें जी। आपको क्या मिल जाएगा? सर यहाँ इतना तो पैसा, अरे न्याय मिल जाएगा तो न्याय के बदले में आपको क्या मिलेगा? 25-50 हज़ार रुपये तक कोर्ट दिला देगी। जब जब तक बैठे हुए हो, तब तक कुछ काम तो किया करो। इतने पैसे तो 2 महीने के काम करके कमा लोगे। मेहनत नहीं कमा सकते सर, करो। चलो आज क्या चाहिए बोलो, वो दे देते हैं आपको। क्या चाहिए बोलो? मुझे तो न्याय चाहिए अरे सर, न्याय कुछ थोड़ी नहीं। मिलेगा अभी तो, जो है क्या आपके खिलाफ क्या आदेश हो गया? जी सर आपके खिलाफ क्या आदेश कर दिया कोर्ट ने? कोई आदेश कर दिया होगा ना, तभी तो आप यहाँ आए हो। आदेश ही नहीं मिल रहा है सर, आपके वकील हाजिर नहीं हुए? अरे आए थे सर 11:30 पे आए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई कोर्ट कहाँ पे आए थे, कौन में। सी कोर्ट में? अब ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन वकील साहब आए थे, गौतम भाई वो तो आए थे, आपके वकील का नाम सामने तो गौतम का, और सामने वाले वकील का नाम क्या है? वाले को नहीं है सर सामने मालूम, वाले का वकील है चांडक, है चांदा है जी ना? सर चांडक जी आए और आपके वकील नहीं आए, इस वजह से कोर्ट ने आपका जो अधिकार था जी। वो समाप्त कर दिया। आए थे सर 11:30 पे आए थे वकील साहब, अच्छा, एक तो ये आदेश हो गया 27/4/22, दूसरा हो गया 3/3/23। अब कौन सी तारीख लगी है अधीनस्थ न्यायालय में, जी लेबर कोर्ट में कौन सी तारीख लगी है? अब आगे की तारीख कौन सी लगी है?
आगे की तारीख अभी मालूम नहीं है सर। वकील साहब को पूछ के आओ, बाहर खड़े हैं आपके वकील, बाहर खड़े हैं क्या? नहीं कहाँ है वकील? उनको पूछ के तो आओ, तारीख कौन सी लगी है? एक जी जी सर पूछते मिनट हैं रुक जाओ रुको, जी हम तो स्टे कर देते हैं, तारीख पूछते रहना, इसमें तलवाना जमा करा देना, नहीं तो ये भी खारिज हो जाएगा। जी 7 दिन में तलवाना जमा करा देना। जी सर देखो आप पुरुषोत्तम झारिया, जी पुरुषोत्तम झारिया पिटिशनर, पुरुषोत्तम झारिया इज प्रेजेंट इन पर्सन हर्ड ऑन एडमिशन एंड आईआर इश्यू नोटिस टू दी इश्यू नोटिस ऑन एडमिशन एंड आईए 4053 ऑफ 23 टू दी रिस्पोंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी विद इन 7 वर्किंग डेज कॉमा फेलिंग विद दिस पिटीशन शैल स्टैंड डिसमिस विदाउट फर्दर रेफरेंस टू दी कोर्ट इन द बीइंग टाइम फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ दी केस इन क्वेश्चन पेंडिंग बिफोर लेबर कोर्ट जबलपुर शैल रिमेन स्टेट स्टे कर दिया है, तलवाना खर्चा होता है, पुलिस को जाके बता देना, वो जमा करा देंगे 1-2 दिन में। और काम करो, हथियार चलाओगे, काम हो, हाथ पैर और अच्छे हो जाएंगे। ऐसे बैठे रहोगे सोचते हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे ही रहोगे। जा